जानकारी बढ़ी है कि युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन के। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है और हमने देखा है कि किस तरीके से बाइडेन ने वित्तीय और सैन्य सहायता जारी रखने का वादा किया है, क्योंकि अमेरिका की शरण में इस वक्त जेलेंस्की पहुंच गए हैं और तालियों की गड़गड़ाहट भी व्हाइट हाउस के अंदर सुनाई दी जब जेलेंस्की का स्वागत किया गया। हालांकि अमेरिका का धन्यवाद किया गया, लेकिन आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या जो युद्ध इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है वो आगे जारी रहेगा या फिर खत्म होते हुए नजर आएगा। फिलहाल जेलेंस्की इस वक्त अमेरिका के अंदर है। राम श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। राम जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, अमेरिका की शरण में इस वक्त जेलेंस्की हैं, क्या आगे आने वाले समय में अमेरिका और चिंगारी देने की कोशिश करेगा रूस और यूक्रेन के युद्ध को? देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है इस समय चरम सीमा पर पहुंच चुका है और बड़ी शक्तियों के जो अपने उद्देश्य थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं, क्योंकि रूस ने अपने करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो उसकी अत्यंत आवश्यकता थी। काला सागर का उसका जो बंदरगाह का रास्ता था वो खुल गया है और परमाणु भट्टियों पर भी लगभग उसका आधे से ज्यादा पर कब्जा हो चुका है। अब सवाल सिर्फ यही उठता है कि क्या ये युद्ध आगे चलेगा या नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है इस समय जेलेंस्की साहब और बाइडेन जो थे वो पहले से भी संपर्क में थे एक दूसरे के, किंतु उनका यहाँ आना, अमेरिका में पहुंचना, ये कूटनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस समय चूंकि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए उनसे एक एग्रीमेंट रिटर्न में हो जाएगा कि अमेरिका ने जितने भी अभी हथियार उनको दिए हैं और चारों देशों ने दिए हैं उन सबकी कीमत कितनी होती है, लगभग 118 अरब डॉलर बताया जा रहा है, और उसका जो भुगतान इनको यूक्रेन की सरकार को करना होगा लॉन्ग टर्म लोन के रूप में, और ये दस्तावेज तैयार करा कर वो उनको वापस भेज देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, वो संभवतः वो वहां से देश छोड़कर रण में से भागे अगर हैं, वो गए हैं, तो वो अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। जो अफगानिस्तान के घनी साहब की हालत हुई थी वही उनकी हुई थी, क्योंकि पुराना इतिहास ये बताता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को जो सहायता करता है फोकट में नहीं करता है, वो उसके एवज में कुछ ना कुछ वसूल करता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में जो अमेरिका की फौज थी सुरक्षा के लिए उसका पूरा खर्चा जो है जापान ने उठाया था। इसी तरह से इराक में हुआ, लीबिया में भी यही लगभग हालत हो रही है कि जो भी उन्होंने हथियार में मिसाइल्स में खर्च किए थे वो सब तेल वसूल करके वो वसूल कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब युद्ध जो है समाप्ति की ओर आ रहा है, क्योंकि CIA का जो डायरेक्टर जनरल था उसने मोदी जी की भी तारीफ की थी और उन्होंने जो है जिनपिंग साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप रूस को समझाइए और परमाणु जो युद्ध होने वाला था। चलिए ठीक है, आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर क्या हो सकेगा। आपका बहुत